स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 5 हीट चैप्टर समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि डीएवी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 हीट पे वीडियो बनाओ भैया, तो मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ गाइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर दोस्तों इससे पहले जो फोर्थ चैप्टर थे उसका वीडियो बना हुआ है। यदि आपने स्टूडियो को नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे कुछ वीडियो मिल जाएंगे और सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग हॉट और कोल्ड का जो सेंसेशंस है उससे हम लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, ऑन ए हॉट समर डे मतलब गर्मियों के दिन में, बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन में हम लोग ये पाते हैं कि हम लोग नंगे पाँव एक सीमेंटेड फ्लोर में नहीं चल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और वहीं विंटर के मंथ में क्या होता है कि उसी फ्लोर में हम लोग फिर नहीं चल पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड होता है। ठीक है, इसके लिए हमें चप्पल पहनना होता है, जूता पहनना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को करना पड़ता है, नंगे पाँव से नहीं चल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके जो डिग्री ऑफ हॉटनेस था, ठीक है, उसे हम लोग टेम्परेचर से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना जो बॉडी है उतना जो बॉडी वो हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। चलिए एक यहाँ पर हीट एज एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स, हीट एज एनर्जी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने डेली एक्सपीरियंस से जानते हैं कि एक बॉटल जो है, एक आइस कोल्ड मिल्क का जो बॉटल है, वो यदि हम लोग एक टेबल पे रख देते हॉट समर डे पे, वो जल्दी हल्का हल्का गर्म हो जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं गुनगुना हो जाता है। और वही उसी क्लास टम्बलर में यदि हम लोग बॉइलिंग मिल्क रख देते हैं और ठंड के दिन यदि वहाँ चले उसी टेबल पर हम लोग रख देते हैं और ठंड का दिन यदि चल रहा है तो वहाँ हल्का हल्का जो मिल्क है वो हल्का हल्का ठंडा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें यह दिखाता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और उनके बीच एक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है उसके बॉडी और उसके सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो तब तक होता रहता है जब तक वो बॉडी और एक जो सराउंडिंग है वो एक सेम टेम्परेचर को अटेन नहीं कर जाता। ठीक है, आइस कोल्ड मिल्क बॉटल में क्या होता है, इसके केस में क्या होता है कि हीट जो है वो सराउंडिंग से बोतल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और बॉइलिंग हॉट मिल्क टम्बलर में क्या होता है कि ग्लास टम्बलर से जो हीट है वो सराउंडिंग की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो इसी जो भी हम लोग ने एक्सपीरियंस किया उसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी हम लोग कह सकते हैं, जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और उनके बीच में एक एग्जिस्टेंस होता है। ये कैसे होता है, तो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, और जो सेकेंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी और दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी ए हाइयर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर। मतलब वो कि जो भी हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो हमेशा टेक्स प्लेस करता है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। ठीक है, अब हम लोग हीट एंड टेम्परेचर की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स हीट एंड टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड। मतलब कि जो हीट और टेम्परेचर है वो आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, हीट एक एनर्जी है किसी बॉडी का, ठीक है, जो कि उसके मोशंस के कारण होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मोशन के कारण होता है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के कारण। टेम्परेचर ऑन द अनदर हैंड, और जो टेम्परेचर हम लोग देखते हैं तो वो एक इंडिकेटर है इस एनर्जी का। ठीक है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट भी हीट एनर्जी को पोज करता है। ठीक है, उसके मोशन कैसे पोज करता है, तो ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स जो है उसके कारण जो है एक कोल्ड ऑब्जेक्ट भी हीट एनर्जी को पोजेस करता है। जब हम लोग किसी बॉडी में हीट को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है, उसका जो मोशन है वो कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। ठीक है, अब आ जाइए इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इफेक्ट्स ऑफ हीट। जब भी कोई बॉडी को हम लोग हीट करते हैं तो वहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल और केमिकल चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेन इफेक्ट्स दिया हुआ है। सबसे पहला जो चेंजेस वो है फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग किसी बॉडी को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर चेंज होता है, तो वही लिखा हुआ है चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग सब जानते हैं फ्रेंड्स कि एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट, ठीक है, किसी बॉडी में जो हम लोग एडिशन और रिमूवल करते हैं हीट का तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ हीट करने से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर रेज करता है, और रिमूवल ऑफ हीट क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है
हट जाता है, मतलब घट जाता है, ठीक है। फिर चेंज ऑफ स्टेट जो सेकेंड है, अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि एडिशन ऑफ रिमूवल जो हीट है, हम लोग जो ऐड करते हैं हीट को और रिमूव करते हैं हीट को, ठीक है, वो उसके चेंज स्टेट में भी, उसके स्टेट में भी उसको चेंज में आता है, ठीक है, उस स्टेट में भी चेंज आता है उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, हम लोग जब स्प्रे ऑफ वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म फॉर्म में रहता है, जब हम लोग उसे फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं रेफ्रिजरेटर के, तो वो आइस के रूप में बन जाता है, ठीक है। आइस को हम लोग जानते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, ठीक है, और वहीं जब वाटर को हम लोग एक फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं तो वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टीम को हम लोग जानते हैं कि वो गैसियस और वेपर फॉर्म है वाटर का। अब जो थर्ड है वो है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, जितने भी सॉलिड लिक्विड और गैसेस है उन्हें हम लोग जानते हैं कि वो लोग जो है हीट करने में, उनको हीटिंग देने पर वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इस फेनोमेनन क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक जो मेटल रिम होता है जो कि साइकिल बाइसिकल में यूज होता है, ठीक है, उसको एक कार्ट व्हील में पुट किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो डायमीटर वो होता है वो कार्ट व्हील से थोड़ा स्मॉल बनाया जाता है, ठीक है, स्लाइटली स्मॉल बनाया जाता है उस व्हील से, ठीक है। तो जब इस रिम को हीट किया जाता है तो वो रेड हॉट बन जाता है और एक्सपेंड करता है, ठीक है। उससे होता क्या है कि वो जो व्हील में है, जो व्हील जब उसे हम लोग व्हील में रखते हैं तो वो स्लिप्स करता है इजिली, ठीक है, और जब वो ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और जो ग्रिप मतलब व्हील जो है उसको अच्छे से ग्रिप कर लेता है, ठीक है। अब आ जाइए केमिकल चेंजेस। तो हीट, किसी भी बॉडी को हीट देने पे वहाँ कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। तो मैनी केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली वन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अप, मतलब कि बहुत सारे केमिकल चेंज भी होते हैं जब हम लोग रिएक्टेंट्स को हीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीजन को किसी लेबोरेटरी में, और हम लोग उसको पोटेशियम को, पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कैटलाइज्ड, ठीक है, एक फ्लेम में, ठीक है। तो अब आज ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और टेम्परेचर उसका इंडिकेटर है, उस एनर्जी का जो इंडिकेटर वो क्या है, टेम्परेचर। तो हम लोग एक चीज़ को फील करते हैं, वी ऑफन फील दैट वी कैन गेट एन एस्टिमेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाई टचिंग इट, कि हम लोग एक एस्टिमेट टेम्परेचर जान सकते हैं किसी बॉडी का, उसको छू करके, उसको टच करके, ठीक है। हम लोग अपने सेंसेस के द्वारा भी कुछ आइडिया लगाते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, लेकिन वो जो है सही नहीं होता है, वो अनरिलेबल होता है और मिसलीडिंग होता है, वो एकदम करेक्ट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कि यदि हम लोग एक आइस ट्रे को, इफ़ यू रिमूव एन आइस ट्रे एंड ए पैकेट ऑफ फ्रोजन, मतलब कि हम लोग आइस ट्रे से यदि रिमूव करते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट से, यदि हम लोग एक आइस ट्रे और एक फ्रोजन पैकेट्स ऑफ वेजिटेबल्स को हम लोग रिमूव करते हैं, तो आइस ट्रे जो है वो कोल्ड रहता है हमारे हाथ के साथ, ठीक है, और उसका जो बोथ का जो दोनों का जो टेम्परेचर वो हमेशा सेम रहता है। तो वी देयर फॉर नीड अ मोर रिलायबल मेथड टू नो द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस, कि हम लोगों को एक रिलायबल मेथड चाहिए किसी भी जो बॉडी उसका टेम्परेचर, उसका हॉटनेस और कोल्डनेस जानने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर ही होता है निकालना हम लोग पड़ता है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। तो हम लोग थर्मामीटर के बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, अब द थर्मामीटर फाइंड दैट मैनी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स चेंज विद टेम्परेचर इन अ रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पाते हैं कि जितने भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर, वॉल्यूम डिफरेंट मटेरियल्स का, ऐसे होते हैं कि वो एक टेम्परेचर और एक टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं एक रेगुलर और सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है। वी कैन देयर फॉर यूज़ दिस प्रॉपर्टीज एज अ वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एक वे जो कि टेम्परेचर के मेजरिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। द सिंपलेस्ट थर्मामीटर विथ विच वी ऑल आर फैमिलियर इज द मर्करी इन द ग्लास थर्मामीटर। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंपलेस्ट थर्मामीटर जिससे हम लोग सब
फैमिलियर है, ठीक है, वो है क्या है, वो है मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर, ठीक है। ये बेस्ड होता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी में, ठीक है। इस थर्मामीटर का जो फिगर है देखिए यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है एक नैरो कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, जो कि अपर इंड से क्लोज होता है और लोअर इंड में उसके पास एक बल्ब होता है, ठीक है। ये जो बल्ब है ये पारा से भरा हुआ होता है, मतलब मरकरी से भरा हुआ होता है। मरकरी है उसे जब हीट दिया जाता है तो वो एक्सपेंड करता है, ठीक है, और उसके जो एक्सटेंट है एक्सपेंशन का, ठीक है, और जो लेंथ है मरकरी थ्रेड का, ठीक है, जो कि कैपेसिटी ट्यूब के अंदर रहता है, वो दोनों जो है डिपेंड करते हैं एक्सटेंट ऑफ फिटिंग, थर्मामीटर के एक्सटेंट ऑफ फिटिंग पे वो दोनों डिपेंड करते हैं। इन पर्पसेस के लिए जो टेम्परेचर स्केल है उसको कैलिब्रेट किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करने के लिए गिवन टेम्परेचर का, और उसके पर्पस पे जो डिपेंड होता है और थर्मामीटर का यूज होता है वो दो रेफरेंस पॉइंट पे फिक्स होते हैं। पहला होता है लोएस्ट टेम्परेचर और दूसरा होता है हाइएस्ट टेम्परेचर। इन दोनों में किसी को चुना जाता है, ठीक है, और दोनों में जो डिफरेंस होता है, दो रेफरेंस पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं रेंज ऑफ द थर्मामीटर, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन दिस फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इन टू एन इक्वल फिक्स नंबर ऑफ डिवीजन। टू स्केल्स हैव बीन इन कॉमन यूज आर फेरेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल। दो स्केल जो कॉमन यूज में है उसे हम लोग कहते हैं फेरेनहाइट और सेल्सियस स्केल, ठीक है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा देश है वो अभी सेल्सियस स्केल का ही प्रयोग कर रही है टेम्परेचर को नापने में, ठीक है। और स्कूल लेबोरेटरी में आवर स्कूल लेबोरेटरी थर्मामीटर इज वन सस्टेनेटर, और स्कूल थर्मामीटर में भी वही वाला थर्मामीटर रहता है। अब देख लें कंपैरिजन दिया हुआ तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक्टिविटी एक्टिविटी और जो डू यू नो है ये होता है लाइव क्लासेस में, लाइव क्लासेस आप ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि साइंस का भी लाइव क्लास मैं ले रहा हूँ तो लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए। तब तक चलते क्लिनिकल थर्मामीटर में। वी यूज ए स्पेशली डिजाइंड एंड कैलिब्रेटेड मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर। सच ए थर्मामीटर इज नोन एज द क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर थर्मामीटर। देखिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको डिजाइन किया गया, स्पेशली डिजाइन किया गया है और कैलिब्रेटेड किया गया है, ठीक है। वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, और उस वैसे थर्मामीटर को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, और डॉक्टर थर्मामीटर, क्योंकि उसे ज़्यादातर डॉक्टर ही यूज करते हैं। द क्लिनिकल थर्मामीटर डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी मरकरी इन ग्लास लेबोरेटरी थर्मामीटर इन टू रिस्पेक्ट। देखिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो डिफरेंट है ऑर्डिनरी थर्मामीटर के, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट दिया है। इट इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली। दिस इज सो बिकॉज दिस इज द रेंज ओवर विद द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कैन वेरी। देखिए ये जो कैलिब्रेटर होता है ये 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही लिमिट होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर वो इतने के बीच में रहता है, इसलिए ऐसा ही वहाँ पर जो टेम्परेचर का जो सीमा है उतना ही रहता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब आ जाइए इसके पास एक स्लाइट बेंट होता है और निंक होता है इसके कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है, और जो निंक होता है उसको नेम दिया जाता है वो होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हीट। हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है, ठीक है। सिंपल सिचुएशंस नीचे दिए गए हैं जो कि हीट ट्रांसफर को इंडिकेट करते हैं, चलिए उसे देखते हैं। व्हेन वन एंड ऑफ मेटल रॉड इज पुट इन अ फ्लेम इट्स अनदर एंड ऑल्सो बिकम्स वेरी हॉट। देखिए फ्रेंड्स जब एक एंड मेटल रॉड का एक एंड को फ्लेम के में रखा जाता है तो उसका जो अनदर एंड भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पर जो है ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, ठीक है, और फिर जो सेकेंड है वो बोल रहा है कि मैंने ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज लेफ्ट ऑन टेबल। जब एक गर्म पानी का जो है ग्लास, गर्म पानी का जो ग्लास है उसे एक टेबल पे जब रखा जाता है तो ये थोड़ा ल्यूक वार्म टाइप में बन जाता है, गुनगुना बन जाता है कुछ देर में, ठीक है। और जब कोई मेटल चेयर धूप के समय में, जो मेटल चेयर जब बाहर छूट जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, हम उस पर बैठ नहीं पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं, तो यहाँ पर थ्री, ये सब जितने भी चीज़ हो रहे हैं सब थ्री केसेस के कारण हो रहे हैं, थ्री चीज़ के कारण हो रहे हैं। तो वहाँ पर पहला जो है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और थर्ड जो है रेडिएशन, इनके कारण जो है ये सभी चीज़ें हम लोग देखने मिलती है। सबसे पहले कंडक्शन, देखिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मेथड है
सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीट जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल से के दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे 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 नेक्स्ट 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 ये होता जाता है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स अपने प्लेसेस को लीव नहीं करते हैं, पार्टिकल्स जो है बस वाइब्रेट करते हैं अपने ही मेन पोजिशन पर, ठीक है। और अब जो हीट एनर्जी उसको आगे पास करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया होती है, लाइव क्लासेस में होता है। अब यहाँ पर लेट अस नाउ सी वेदर हीट एनर्जी इज एबल टू गो ईजली थ्रू ऑल सॉलिड्स। देखिए, हम लोग को जानना है कि जो हीट एनर्जी है, ठीक है, वो सभी सॉलिड्स के अलोंग जा सकता है। अब देखिए, वी नो डैट वी वैन वी पुट एन इंच ऑफ मेटल रॉड इन फ्लेम इट्स अनदर इंच ऑल्सो सुन बिकम टू हर्ट टू। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जो मेटल रॉड का वन एंड है, जब उसे हम लोग फ्लेम में रखते हैं, उसका जो अदर एंड है वो भी कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उस पर छूने पर हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, ठीक है। ये हम लोग को यह दिखाता है कि जो हीट है वो क्विकली एक मेटल रॉड में आगे चला जाता है, ठीक है। तो मेटल्स को हम लोग कंडक्टर्स ऑफ हीट कह सकते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है, क्योंकि वो हीट को पास करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है। हम लोग यही जो सेम एक्सपेरिमेंट है, जब उसे वुडन रॉड के साथ करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि जो सेकेंड इंच है वुडन रॉड का वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, उसी प्रकार से है, ठीक है। तो वो वुड है वो इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। अब आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक और पैदा है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट विद सम ऑफ देम बेटर देन वुड देन द अदर्स। वुड, इबोनाइट, प्लास्टिक, कॉक, कॉटन, थर्मोकोल, एयर एंड वाटर, ऑल आर बैड। ये सब जितने भी हैं सब बैड कंडक्टर्स हैं हीट के, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। दोनों गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, दोनों का हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो मेटल्स है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, ठीक है। कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे जिसके मदद से हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है। जो कि जो फ्लेम है, मतलब जो हीट है, उसको तुरंत ही जो अंदर में खाना है उसको उसके उस पर पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद जो खाना पक के पकाया जाता है हम लोग खा पाते हैं, ठीक है। और केटल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, केटल्स, और बॉयलर्स और बॉयलर्स ट्यूब बनाने में भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है इसी सेम रीजन के कारण। अब देखिए, जो वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स जो कि एक इंसुलेटर्स है, उसका भी हम लोग यूज करते हैं उसी यूटेंसिल्स में, मतलब उसका हैंडल्स में उसका यूज करते हैं, ठीक है। चाय की केतली आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें जो हैंडल होता है कभी कभी वो होता है प्लास्टिक का, ठीक है, जिससे क्या होता है हम लोग को इनकन्वीनियंस नहीं होता उसे पकड़ने में, क्योंकि अंदर में जो खाद्य पदार्थ है वो तो एक तरह की गर्म है, ठीक है, एक तरह से गर्म है, लेकिन जो हैंडल्स दे दिया गया है वुड का वो तो गर्म नहीं हुआ, वुड का या फिर प्लास्टिक का वो गर्म नहीं हुआ। जब वो गर्म नहीं हुआ तो हम लोग को इनकन्वीनियंस नहीं हुआ और वो एक तरह का शील्ड का काम करता है, ठीक है। एयर को एक तरह से बैड कंडक्टर कहा जाता है हीट का, ठीक है। ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ एंड क्विल्ट्स हेल्प अस टू स्टे वार्म इन विंटर। और जो ब्लैंकेट्स, रजाई या फिर कंबल आप कह सकते हैं, वो एक तरह से हम लोगों को विंटर में वार्म रहने के लिए, गर्म रहने में बहुत बड़ा हेल्प करती है, ठीक है। और ये हम लोग को हेल्प करती है यूज ऑफ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर, ठीक है। हम लोग इसका बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जो एयर ट्रैप होता है उनके लेयर के बीच में, ठीक है, और हमारे शरीर में जो होता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो एयर होता है दोनों के बीच में एयर ट्रैप होता है, इसको हम लोग इसी कारण से जो न्यू क्विल्ट, मतलब जो न्यू रजाई है वो ज़्यादा बेटर होता है एक ओल्ड वन से, ठीक है। अब आ जाइए फाइव में, तो आइस बॉक्सेज और ओफन मेजर डबल वाल्ड कंटेनर्स। आइस बॉक्सेज जो है वो अक्सर बनाया जाता है डबल वाल्ड कंटेनर्स से, ठीक है। द लेयर ऑफ अ ट्रैप्ड बिटवीन टू वाल्स डज नॉट ईजली लेट आउटसाइड हीट रीच द आइस क्रिप्ट इन साइड द बॉक्स, द आइस देयरफॉर डज नॉट मेल्ट क्विकली। इसी कारण से जो आइस है वो क्विकली मेल्ट नहीं करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। वी हैव नोटिस अबव दैट वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हाउ डज देन द वाटर पुट इन केटल गेट हीटेड अप व्हेन इट इज पुट ओवर अ फ्लेम। हम देखिए फ्रेंड्स, वाटर एक तरह का बैड कंडक्टर हीट का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब ये उसके केटल में रखा जाता है, ठीक है, और फ्लेम के ऊपर रखा जाता है, वो कैसे हीट होता है। देखिए,
जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड और गैसेस के, वो क्वाइट फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये एक अनलाइक सॉलिड है जिसके मॉलिक्यूल्स जो है रिजिडली, क्वाइट रिजिडली फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इसका जो एबिलिटी है लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जो उसके अगल बगल में घूमता है, ठीक है, जो कि लिक्विड को हीट अप होने में, मतलब हीट होने में, गर्म होने में हेल्प करता है, ठीक है। इस मेथड को कहा जाता है कन्वेक्शन। तो अब एक एक्टिविटी दिया है जिससे आप अपने पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द कलर स्टिक, यहाँ पर वही वाला दिया हुआ आगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, मतलब जो एक्टिविटी था उसी का दिया हुआ था। मैंने एक्टिविटी पढ़ाया नहीं तो ये कैसे पढ़ा दूंगा मैं। लिक्विड एंड गैसेस टू आर द सीन टू ट्रांसफर हीट। देखिए लिक्विड और गैसेस दोनों जो है हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, अपने वॉल्यूम के साथ और अपने एक्चुअल मूवमेंट जो होता है उनके मॉलिक्यूल्स का उसके साथ, ठीक है। इस ट्रांसफ़र ऑफ इस मतलब इस मेथड को कहते हैं हम लोग कन्वेक्शन, ठीक है। तो भी हम लोग इसको हमेशा साइक्लिक मूवमेंट में, मॉलिक्यूल्स के साइक्लिक मूवमेंट में लिक्विड और गैसेस में कहा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करेंट्स, ठीक है। अब ग्लोबल विंड पैटर्न्स में आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो कन्वेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा विंड और स्टॉर्म को लीड करता है। तो हमेशा रियलाइज़ करते हैं, इजी रियलाइज़ करते हैं कि जो अनइवन हीटिंग होता है अर्थ का, ठीक है, और वही जो अनइवन हीटिंग है वही लीड करता है ग्लोबल विंड पैटर्न में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के टॉपिक में चलते हैं। जो प्लेसेस है इक्वेटर के नियर में, ठीक है, वो ज़्यादा हीट एनर्जी लेते हैं सन के द्वारा, ठीक है। और जो एयर है इस प्लेसेस में, ठीक है, वो हीट कर जाते हैं और धीरे धीरे राइज करते हैं और एक लो प्रेशर अपने एरिया में एक लो प्रेशर छोड़ते हैं, ठीक है। द कूलर एयर मेनली फ्रॉम प्लेसेस बिटवीन 0 डिग्री 0 to 30 degree latitude and the equator then moves in towards the equator. The greater in difference pressure, the faster does the moving. These winds moving air blow from north south. ये जो wind था ये blow करता है north से south की तरफ, ठीक है, और equator की ओर. At the poles, the air is colder than the latitude of says about 60 degree. Hence, the wind currents here are set up from the pole towards the warmer latitude, ठीक है। अब सी ब्रिजेस, वाटर जो है वो स्लोली हीट होता है लैंड से, ठीक है, डे टाइम के दौरान में, ठीक है। जो एयर होता है लैंड के ऊपर वो जल्दी जल्दी हीट होता है और राइज अप करता है, ठीक है। कूलर एयर सी से जो कूलर एयर आता है वो भागते हैं अपना जगह लेने के लिए। इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सी ब्रिज, ठीक है, सी ब्रिज। नेक्स्ट है जो नाइट टाइम में जो होता है वाटर जो है जल्दी ठंडा होता है लैंड से, ठीक है, और जो एयर होता है वाटर के ऊपर जल्दी गर्म हो जाता है और राइज अप करता है, ठीक है। इट्स प्लेस इज टेकन अप बाय द कूलर एयर अबव द लैंड। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो ये होता है लैंड ब्रिज, ठीक है। दिस लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज हेल्प इन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर। जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है वो हेल्प करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने में मोर और लेस यूनिफॉर्म वैल्यू थ्रू द डे एंड द नाइट। वी देयरफॉर हैव एन इक्विटेबल क्लाइमेट ऑन द प्लेसेस नियर द सी, ठीक है। अब आ जाइए रेडिएशन। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग सन के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, और फायर प्लेस में खड़े होते हैं, मतलब जहाँ फायर लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, या फिर आप कहते चूल्हे के सामने जब हम लोग खड़े, तो वहाँ हम लोग को गर्म लगता है, ठीक है, गर्म लगता है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, फायर प्लेस कैसे होता है, वहाँ पर गर्म लोग कैसे लगता है, तो वही यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ना है, ठीक है। द हीट ऑफ सन डज नॉट रीच अस आइदर बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन। देखिए जो हीट है वो हमारे पास कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू नहीं आता है, ये एम्प्टी स्पेस वैक्यूम, जो सन और अर्थ के बीच में जो वैक्यूम मोस्टली स्पेस है, ठीक है, उसके कारण होता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को एक मेटेरियल मीडियम चाहिए हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन जो रेडिएशन है उसको ऐसा कोई मेटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग थर्ड मेथड जो है हीट ट्रांसफर का, उसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो हम लोग रेडिएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएटिव एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। दिस से दैट ऑल हॉट ऑब्जेक्ट गिव आउट और रेडिएट हीट एनर्जी। जब रेडिएंट एनर्जी किसी मैटर पे फॉल करता है तो एक पार्ट ऑफ ये जो एक पार्ट है जो रिफ्लेक्टेड बैक कर जाता है, ठीक है, और मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। यही जो एब्जॉर्ब पार्ट है रेडिएंट एनर्जी का वो हीट अप करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। देखिए जो डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन इमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक एंड पॉलिश सरफेसेस हैज़ मैनी प्रैक्टिकल यूजेस। ठीक है, इसका जो बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल यूज़ है तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। देखिए जो बॉटम होता है कुकिंग यूटेंसिल्स का उसे ब्लैक रखा जाता है। ठीक है, तो जो जो यूटेंसिल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे इनेबल करता है। ठीक है, हम लोग वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स प्रेफर करते हैं समर के डेज में। ये ज़्यादा कम से कम हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग प्रदान करता है। और टी और कॉफ़ी, ठीक है, एक साइन टी और कॉफ़ी पॉट्स आर ओपन मेड शाइनिंग ब्राइट दे देयर फोर रेडिएट आउट लेस हीट द टी और कॉफ़ी किप्ड इन देम देयर फोर स्टेज हॉट फॉर लॉन्गर टाइम। इसी कारण से जो टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। ठीक है, फायर ब्रिगेड जो है शाइनिंग ब्रास कैप्स यूज करते हैं। ठीक है, अक्सर ये जो कैप्स है वो कम दिस कैप्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल हीट। ये जो कैप्स है वो बहुत ही कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो फायर मैन है वो फायर के अंदर चल जाते हैं या फिर उसे बुझाते हैं। ठीक है, हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटर वॉल्स में क्या होता है, लाइट कलर होता है। ठीक है, ये कम रेडिएट लेस हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और हाउस को जो कूल रखा जाता है कमर के समर के समय और विंटर के समय में हीट रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैनी बिल्डिंग जो सिटीज़ में बहुत सारी बिल्डिंग्स होते हैं वो शाइनिंग ग्लास आउटर वॉल्स में उससे कोटेड होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रेडिएट और वेरी लीस लेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सेवन वाला थर्मो फ्लैस्क इज यूज टू कैरी इन इट होल्ड और कोल्ड ड्रिंक्स। इट इज़ मेड यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग एंड पॉलिश सरफेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एज वेल एज रेडिएटिंग वेरी लेस लिटिल हीट। इट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर वैक्यूम थ्रू इट्स डबल वेल्ड स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर इसी प्रकार से पूरा हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, कीवर्ड से आपको समझना है, यू मस्ट नो समझना है, डू यू नो समझना है, तो इसके लिए आप लोगों को मेरे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज़ लाइव क्लास करता हूँ लगभग 7 क्लास का। ठीक है, साइंस का करता हूँ, मैथ का पढ़ता हूँ, SST हर एक सब्जेक्ट का मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, और हाँ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको चैप्टर समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट रह गया तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर लाइव क्लास में उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले 4 चैप्टर बने हुए, यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।